PSI 632 Lesson 37 है रियलिटी थेरेपी। यहाँ से देखते हैं रियलिटी थेरेपी क्या है, थेरेपी क्या है और विलियम ग्लासर ने इसको पेश किया था, ये डिटेल सारी। इसके अंदर क्लाइंट खुद इस काबिल होते हैं कि वो अपने लिए डिसाइड कर पाएँ कि क्या चीज़ इनके लिए ठीक है, अपने लिए चॉइस कर सकें और ये चॉइस इनके ही एक्शंस के बारे में बताती है। द प्राइमरी एम ऑफ थेरेपी इज़ टू मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन चॉइसेस। तो ये विलियम ग्लासर की हिस्ट्री है, इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, लोग जो करना चाहते हैं, जो फैसला करते हैं, इनके रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद ही होते हैं। वो अपनी चॉइसेस के ज़रिए अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। फिजिकल ओरिएंटेशन के अंदर कह रहा है कि दिस नीड इज़ रिलेटेड विद ओल्ड ब्रेन ब्रीथिंग। मसलन बॉडी खुद ब खुद इन नीड्स को पूरी करने की कोशिश करता है, डाइजेशन हो गई और ब्रीथिंग हो गई। साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन के अंदर कह रहा है कि मच इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग एंड आर रिलेटेड विद आवर बिहेवियर। सम फिज़िकल नीड्स आर नीड फॉर लव, फ्रीडम एंड रिक्रिएशंस, नीड फॉर फन भी रिक्रिएशन में ही आती हैं ये भी। इसके अंदर रोल ऑफ काउंसलर क्या है कि सेम वही जो पहले था काउंसलर का रोल पिछले में, कि वो क्लाइंट कोई चॉइस पर ज़्यादा जोर देता है, इन एरिया पर ज़्यादा फोकस करता है जहाँ पर तब्दीली लाना हो, पॉजिटिव एक्शन पर फोकस करना करता है जो चेंज लाने में उसकी हेल्प करते हैं, और फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है। गोल्स कैन कह रहे टू हेल्प क्लाइंट बिकम फिजियोलॉजी साइकोलॉजिकली हेल्दी एंड रैशनल, टू हेल्प क्लाइंट क्लैरिफाई व्हाट दे वांट टू इन लाइफ। सिक्स क्राइटेरियाज टू जज अ हेल्दी बिहेवियर, बिहेवियर इज कम्पिटेटिव, इजिली कम्प्लीटेड, कैन बी डन बाई योर सेल्फ, बाई वन सेल्फ, हैज़ वैल्यू फॉर द पर्सन, इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल बाई प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियर, एंड आखिरी है पर्सन कैन प्रैक्टिस द बिहेवियर विदाउट बिकमिंग सेल्फ क्रिटिकल। टेक्निक्स इसके अंदर जो हैं इस्तेमाल होती हैं, एक तो है टीचिंग की टेक्निक्स, यानी कि टीचिंग हो गई, उसके अलावा इसके अंदर है पॉजिटिवनेस, रोल प्लेइंग, फीडबैक। काउंसलर जो है अपने क्लाइंट का के किसी अहम मेंबर का रोल अदा करता है, जिसको जो उसके लिए वैल्यूएबल होता है क्लाइंट के लिए, वो मेंबर उसका जो है फैमिली का वो बन जाता है कुछ देर के लिए, और उसके साथ उसी तरह वो डील करता है। एप्लीकेशंस फॉर रियलिटी थेरेपी, WDEP सिस्टम। W व्हाट डू यू वांट, D विल दिस चॉइस गेट यू इन द राइट डायरेक्शन, E सेल्फ इवेल्यूएशन, P प्लानिंग। ये याद रखें, हम MCQ से वाले से इम्पोर्टेंट है। स्टेप्स इनकॉर्पोरेटिंग गोल्स एंड टेक्निक्स, इस्टेब्लिश पहले रिलेशन बनाना क्लाइंट के साथ, उसके प्रेजेंट बिहेवियर पर फोकस करना, उसके बिहेवियर की इवेल्यूएशन करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट और प्लान बना लेना कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है, ये हमारा गोल है। क्लाइंट के साथ कमिटमेंट, क्लाइंट वाली साइड से कमिटमेंट करना कि हाँ भी वो एग्री है इस चीज़ पर। एक्सक्यूज़ कोई भी जो है एक्सेप्ट ना हो क्लाइंट के किसी भी किस्म के, और रीजनेबल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बगैर किसी पनिशमेंट के अलाउ होनी चाहिए। रिफ्यूजिंग टू गिव अप ऑन द क्लाइंट। स्ट्रेंथ्स इसकी ये हैं कि काउंसलिंग मल्टीपल सिचुएशन में इस्तेमाल होती है और मुख्तलिफ पॉपुलेशन के साथ भी एम्प्लॉयज की जा सकती है, ये तमाम एजेस के लोगों के लिए बेनिफिशियल है। लिमिटेशंस जो हैं इसकी वो ये हैं कि इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ अप्रोच, सिर्फ हेयर एंड नाउ पर फोकस करती है, पास्ट को काफ़ी हद तक इग्नोर कर देती है और अनकॉन्शियसनेस को भी ये एक्सेप्ट नहीं करते। थैंक यू।